ये डाल देना अंदर। हाँ उसके पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक्चुअली इसमें कलर्स कैसे कैसे है। देखिए रेड है, ब्लू है, येलो है, वाइट है। ओह ये रुक रुक रुक, एक मिनट, पूरा व्हाइट कलर का, पूरा व्हाइट कलर का ये। जीवन में पहली बार व्हाइट चना, OMG। दोस्तों निकल चुके थे फिशिंग करने के लिए एक वाटरफॉल में, लेकिन रास्ते में ना एक बाजार मिला जहाँ पर हमें बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिले और मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने एकदम भर भर कर लिया, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में ना किसी प्रकार का केमिकल्स कुछ नहीं रहते, बिल्कुल फ्रेश रहता है। फिर थोड़ी बहुत बाजार करके हम निकल चुके हैं वाटरफॉल की ओर, और उस पहाड़ के पीछे वो हमारा वाटरफॉल। हमारे घर से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर रहता है ये वाला वाटरफॉल, ये काफी सुंदर है। तो अभी हम पहुंचने वाले इस लोकेशन पर और देखेंगे यहाँ पे क्या फिश मिलता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारा वाटरफॉल की ओर, और देख ही पा रहे हो, ये देखिए यहाँ का वेदर एकदम अमेजिंग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो आप देख रहे हो ना माउंटेन्स, यहाँ पे क्लाउड्स है या बारिश हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि असम में तो एकदम थोड़े आगे जाने से बारिश होने लगती है, फिर कहीं से धूप निकल जाती है, वैसा रहता है वेदर। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और पूरा क्लाउडी भी है एंड समझ नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है कि नहीं। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखते हैं वहाँ का नज़ारा। वाह ये लोकेशन तो यार पूरा दिल जीत रहा है दोस्तों, लेकिन पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा क्या ये धूल टाइप का कि बारिश हो रही है शायद वहाँ पर, समझ के। वाह ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा बर्ड था, देखो दूसरा पे एक्सॉटिक बर्ड्स भी आते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं जन्नत पर, अभी नीचे उतरते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम करने वाले फिशिंग, और वाटरफॉल का श्रिम्स तो आप लोगों को पता ही होगा, ऊपर देखिए बर्ड्स। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग, और देखिए मेरे पास ये हैंड नेट है, हैंड नेट इनफ होता है यहाँ पे, ठीक है, हैंड नेट से हमें मिल जाएगा काफ़ी सारे फिश। और कुछ प्लास्टिक ले लिया मैंने एंड रबर बैंड, ताकि हम श्रिम्स को जो है आज अच्छी तरीके से लेके जा सकें यहाँ से। वाटरफॉल के श्रिम्स काफ़ी सुंदर होते हैं जो भी हमें मिलता है, बड़े साइज़ के, ठीक है, बहुत कलरफुल होता है। तो चलो आगे चलते हैं, नीचे उतरते हैं। वाटरफॉल का पानी बिल्कुल नीचे से आ रहा है और इस जगह पे हम चलने वाले। देख उधर ऑलरेडी वो फिशिंग कर रही है, वो ऑलरेडी जाकोई लेकर आई है और फिशिंग कर रही है, पकड़ इसको। तो ये देखिए दोस्तों नज़ारा, और वो देखिए ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं जाकोई लेकर, ठीक है। तो इनको पता नहीं श्रिम्स वगैरह काफ़ी कुछ मिला रहेगा, ये तो खाने के लिए लेके जाएंगे, बट हम लोग यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाने वाले हैं। दोस्तों वाटरफॉल का स्नेकहेड का बच्चा देखो पूरा छुपा हुआ है, ज़्यादा पकड़, धीरे से पकड़, वो देख दिख रहा है तुझे, ये रहा ये रहा। वाह कितना सुंदर पैटर्न का है, पकड़ जा, स्लोली पकड़ना, हाँ निकल ना जाए वो राजा, इसके नीचे तो है ये वाला। हाँ भागा भागा भागा, पूरा भाग गया, देख आगे निकल गया भुटिया मास। अच्छा देखा श्रिम्स आ गया ना, और वो बोल रहे कि हमको जाकोई देगी मारने के, लेकर आ जा देखते हैं। सब लोच है पूरा। मैं इस प्लास्टिक में पानी भर कर लेके आता साफ, इसमें हम लोग पहले श्रिम्स कलेक्ट करेंगे। पानी एकदम ठंडा बढ़िया है, देखिए कितना साफ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, पहाड़ के सामने और पानी आ रहा है वहाँ दूर से। मिला, आ रहा हूँ मैं ये पानी लेकर, मैं दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको श्रिम्स डालकर, ठीक है, वाटरफॉल के श्रिम्स 100 के ऊपर। और ओ बाप रे, लाइफ में कैसे कहाँ से मिला ये, ब्लैक जैसा था, कितना सारा है, ओ माय गॉड इतना सारा, जल्दी रखो जल्दी रखो। सच में विश्वास हो रहा है, कहाँ से मिला, उधर और भी है शायद, रुक 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 रुक, एक मैं प्लास्टिक लेकर आता हूँ मैं। दोस्तों देखिए उससे तो बहुत सारे छोड़ दिए, छोटे वाले हमने बड़े वाले लिए, और देखिए ना पानी इतना ठंडा है कि पूरा प्लास्टिक मेरा जो है देख किस तरीके से वो हो रहा है, फ्रीज हो रहा है एकदम से, देख रहे देख के मजा आ रहा है। देख, हाँ? है अरे बाप रे, बड़ा वाला देख, बड़ा वाला देख,
पूरा यहाँ पे ब्लैक और ये सब टाइप के है ना, रेड ब्लैक सब। चल छोटे वाले निकाल कर, ये तो क्रॉस वाला भी है, मतलब कि वो स्ट्राइप्स वाला भी है। स्ट्राइप्स वाला देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा वॉश कर ले। हाँ पानी में देखा कैसा लग रहा है, देखने थोड़ा ऊपर कर, पानी साफ कर थोड़ा सा, तुम गंदा हो गया पानी डाल डाल। इतने सारे ऑलरेडी घर पे इतने सारे ब्रीडिंग हो रहे हैं हमारे श्रिम्स के। दोस्तों वाइल्ड श्रिम्स से काफ़ी ब्रीडिंग हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ओवर क्राउड हो जाएगा, दूसरा प्लास्टिक खोलना पड़ेगा। रुक जाए एक मिनट, ये डाल देना अंदर। हाँ उसके पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक्चुअली इसमें कलर्स कैसे कैसे है। देखिए रेड है, ब्लू है, येलो है, वाइट है, देख आपका ईग्लोटेड है, देख एग्स तो बहुत सारे में है, एंड काफ़ी सारे मेल भी हैं यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड बहुत सारे एग्स है, काफ़ी सारे एग्स है, ब्लू है, ग्रीन है, बहुत बहुत प्यारे प्यारे कलर्स है यार। ये डाल दो, फिर इसको बांध देते हैं अच्छी तरीके से, इसको बांध देते हैं अभी इससे ना, रबर बैंड से। और बाकी यहाँ पे है ना दूसरा और प्लास्टिक में डालते हैं, देख अभी इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा एटलीस्ट। ये क्या पानी नहीं चेंज करने वाला है क्या इसका? और क्यों चाहिए पानी चेंज करने, मेरे वाटरफॉल का ही पानी है। हो गया, इसमें 50 से ज़्यादा स्ट्रीम्स है शायद। ठीक है ओके रख दे। ओए इधर इधर आप, एक सच में बहुत बड़ा यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने कुछ एक बहुत बड़ा एक देखा है रे। ये देखिए, अरे भागा भागा भागा, देखा नीचे नीचे, इसके नीचे गया, इसके नीचे गया, वो देख पूरा 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 नहीं बाप, ऊपर 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 भाग रहा, ऊपर ऊपर, अरे ऊपर चला गया, एकदम ऊपर चला गया। नहीं पत्थर से खींच कर लेकर, पत्थर नहीं सॉरी ये लकड़ी से लेकर आ, काफी बड़ा था वे बाप। वो रहा, देखो दोस्तों दिख रहा है आपको, ओ ये स्नेक जैसा लग रहा है पुराना। मैंने पता है मैं यहाँ पे, बाप रे कैसे तो मुझे नजर आया ये लंबा लंबा लकड़ी लेके, लंबा लकड़ी लेके देखो उसका पूरा बॉडी दिख रहा है, यहाँ से पूरा बॉडी दिख रहा है। ओ माय गॉड, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न। रुक 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 रुक, पीछे से जाना, मतलब आ रहा है देखना, वो उधर से भाग जाएगा, वहाँ पे गड्ढा वगैरह होगा। संभाल कर रहे, डर भी लगता है। बाप रे बहुत बड़ा है, नहीं आ रहा ना। अरे अंदर चला गया, अंदर चला गया, उससे चला गया, लिटरली उस दिन जैसा चना है, सही बता रहा हूँ, वैसा ही मुझे लग रहा है, पूरा अंदर चला गया, वो निकलेगा नहीं अभी। ये रहा इधर ही तो है, एक काम कर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर। ये दोस्तों इसके नीचे छुपा हुआ मुझे दिख रहा है। इतना मेहनत लग रहा है, ओ पकड़ा, ओ बाप रे आई थिंक तेरा हाथ आया। ये निकला, पकड़ स्लोली, उधर गया, नेट से पकड़ना, छोड़ना ये हाथ, छोड़ अभी। बोल रहा हूँ नेट से पकड़, ठीक है पानी थोड़ा साफ हो जाने दे, यहाँ से वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि जगह देख, इसी में यहीं पे रहने वाला ये। थोड़ा साफ होने दे पानी, थोड़ा साफ, कुछ व्हाइट कलर का है वो, थोड़ा सा ना, थोड़ा व्हाइट कलर का है लेकिन वो फिश। लिटरली इस मछली को पकड़ने में पसीना छूट रहे, पसीना, इतना कम पानी है और फिर भी आप देखिए कि ये जो चना फिश होता है इतना एक्टिव होता है। ये भी बैठ गया, थोड़ा सा पानी साफ हो जाने दे, यहाँ से मैं ध्यान रखता हूँ। जगह पे ही गया उस पानी, इसलिए मैं बोला पानी साफ नहीं होने तक हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। कौन बोल गया पीछे? यस दिखाओ मैं आप लोगों को दोस्तों। ओ दिख नहीं रहा, थोड़ा हट तो हट। हाँ ये देखो इसलिए कैसे दिख रहा है ना, यही है वो फिश। ये देखिए देख रहे हो पैटर्न, देखो उसका कैसा छुपा हुआ है।
मिला। पैसे चला गया ना, जाएगा कहाँ, इधर ही रहेगा। फिर से चला गया दोस्तों। दोस्तों वहां से साउंड आ रहा है, पूरा बंदर, मतलब वो लंगूर्स होते हैं ना, गोल्डन लंगूर। हाँ जंगली जंगली वो भी हो सकता है, हाँ पीकॉक भी हो सकता है। बहुत आवाज़ आ रहा है उधर से। आई थिंक ऐसा किसी भी चना को पकड़ने में इतनी मेहनत नहीं हुई, वो भी इतने छोटे से जगह पर। वाटरफॉल का चना का बात ही अलग है, उनके स्किल्स लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी फिश। मैं देख रहा हूँ कि तू पकड़ पा रहा है, फिर हाथ से छूट जा रहा ना। ओ मिला, दिखा फाइनली। मुझे एक बार देखने दे इसका पैटर्न, बाप रे पसीना निकल गया इसको। मेरा भी, मतलब मैं तो दूर से जो भी है थोड़ा सा हार्ड हुआ है, क्योंकि पकड़ने में थोड़ा पत्थर में लगा है ना। और ये पैटर्न देख, इसका थोड़ा सा अलग ही है ना, ये वाइट और ब्लू। ओके तो हमारा यहाँ पे देखो, अभी पहले तो ये हर्ट हुआ, इसको मैं लेके जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली इसका पैटर्न मैं समझा देता आपको, देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर का एक, ये बहुत ही रेयर है, यूनिक है। बट मैं इसलिए ना इसको नहीं, मैं इसलिए नहीं लूँगा इसको, क्योंकि दोस्तों पानी यहाँ पे कम था, मैंने इसको देखा, इससे मुझे लगा कि यहाँ से इसको शिफ्ट करके हम लोग, मतलब शिफ्ट नहीं सॉरी, पकड़ कर हम लोग वहाँ छोड़े ज़्यादा पानी में, तो इसलिए इसको पकड़ने का ये हमारा एक्चुअली मकसद था। लेके जाने का मन है, मुझे भी मन है, लेकिन क्या करें यार, मिल जाएगा हम लोग को। ये हर्ट हुआ, मैं नहीं लेना चाहता, ये सच में रेयर है बहुत, लेकिन हर्ट हुआ है। रुक मैं आ रहा हूँ, ये लेकर आ रहा हूँ नेट, यहाँ पे छोड़ के चला गया तू। अफसोस इसी बात का है दोस्तों कि यहाँ पे छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ इसको, क्योंकि एक तो हर्ट भी हुआ है और इसको यहाँ पे थोड़ा सा रहने काफ़ी बड़ा है। ऐसा हम लोग को और भी मिल जाएगा, इट्स फाइन, क्या बात है, हम लोग पकड़ते रहते हैं ना। पर ये रेयर है, ये तो है। रुक जा, कहाँ पे दिखा, थोड़ा ज़्यादा पानी में डालना, अच्छे से डालना, ताकि वो एकदम से स्विम करके निकल जाए। दिखा यहाँ, यहाँ डाल तो इधर, मैं देख ही नहीं रहा हूँ कहाँ जा रहा है। रुक जा, दिखा इधर, पहले इतना सारा पानी है, यहाँ पे डालना, यहीं पे छोड़ दे सामने। वाह गया ना, आजा। दोस्तों अभी अभी छोड़ा हुआ फिश देखो कहाँ पे आ गया, ये देखो दिख रहा है आपको कितना अमेजिंग पैटर्न है ना, ब्लू ब्लू लग रहा है ना बहुत। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ा हुआ है, यहाँ से तो आराम से भाग जाएगा, काफ़ी पानी है, और वहाँ से हम उसको पकड़ के यहाँ लेकर आए। क्या कर रहा है तू, श्रिम्प्स दिखा दो एक बार, दिखा कौन से मिले कलेक्शन। इसमें है बिल्कुल यार, वो चना के लिए मुझे अफसोस हो रहा है ना, इतना सुंदर पैटर्न पर छोड़ना पड़ा। देख थोड़ा ही, मतलब थोड़ा इस ऐसा करने से मिल जाता है। सो ब्लैक वाले ले, सिर्फ ब्लैक वाले ले, बाकी छोड़ दे। यहाँ पे इतने मतलब श्रिम्प्स है, बाप रे इतने से जगह पे इतना सारा। ये ब्लैक वाले ले, ब्लैक वाले लिए, ब्लैक ग्रीन रेड। बस चल, दो पैकेट हो गए। अरे होनी चाहिए, नहीं नहीं इनफ है। मुझे चना के लिए अफसोस लग रहा है यार, चना हम लोग को मिल जाता तो इतना अच्छा होता। वो बहुत ही रेयर पैटर्न था। अगर आप लोग को कुछ भी पता है उस चना के बारे में जो हमने पकड़ा था, कौन सा पैटर्न, मतलब कौन सा चना है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बताना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हो गए, बाप रे क्या साइज है भी, देख पूरा फुल्ली ग्रोन एडल्ट। चल ओवरक्राउड हो गया यहाँ पे, ये डालना इसमें थोड़ा सा, ये ग्रास डाल दे चार पांच। ओ ये डाल गप्पी ग्रास जैसा, हाँ थोड़ा पानी और, थोड़ा पानी डाल, कम हो रहा है। ओए 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 इधर इधर, मैंने एक इतना प्यारा वैसा ही एक और फिश देखा, देख यहाँ पे है,
पानी अभी गंदा नहीं हुआ है, जल्दी यहाँ पे सामने है ये दे नदे नदे यहाँ पे है इसके नीचे। विश्वास नहीं करेगा यहाँ पे जो चल रहा है ना, कुछ तो बड़ा वाला कुछ तो हाँ वो निकलना चाहिए बस। देखना 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 दोस्तों यहाँ पे जो फिश है ना, हल्के से साइड से बस, पानी गंदा मत करना, बस पानी गंदा मत करना नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। तूने पानी गंदा कर दिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पूरा अंदर चला गया होगा है ना, बहुत फ्रूम है अंदर। हीरा, ये रुक रुक रुक, एक मिनट, पूरा व्हाइट कलर का, पूरा व्हाइट कलर का ये हीरा। कलर का इसने क्या, आई डोंट नो, इसको स्लोली एक काम कर, वो नेट लेकर आ, नेट देना, मैं नहीं उठ सकता यहाँ से, अभी जल्दी से लेकर आ, मैं पूरा ध्यान में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से निकल सकता है दोस्तों, मैं हिल भी नहीं सकता यहाँ से। ये व्हाइट कलर का स्नेक हेड कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। अब तो मैंने वाइट क्रैब्स देखे हैं, वाइट स्नेक हेड तो नहीं देखा, और ये आज देखा भी और गायब भी हो गया। अब छोड़ते छोड़ते, पानी गंदा हो गया पूरा। इधर आ, इधर आ दोस्तों। हम लोग बहुत अपसेट है क्योंकि पहला वाला फिश को हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो हर्ट हुआ था, दूसरा वाला तो कभी नहीं छोड़ते क्योंकि वो रेड सॉरी वाइट कलर में सुपर रेयर चना मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा और हम लोग को अब मिल नहीं रहा है। यहाँ पे था। अब अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों, देख पा रहे, बारिश भी आने लगी है, आने ही वाली है अभी बारिश। वैसे शिम्स यहाँ पे है, कुछ नहीं दिख रहा ना उसका, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट आई थिंक वाइट चना था वो। तुझे क्या लगता है वाइट है, उसने अपना पैटर्न चेंज किया है, कभी देखा है ऐसा वाइट? कभी भी नहीं देखा। अल्बिनो, अल्बिनो टाइप का। कहाँ चला गया इतना जल्दी? उसका आई थिंक उसका ना कुछ गड्ढा वगैरह होगा। हाँ चना है भाई, मजाक नहीं है, वो चना है। तो दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन के तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहला वाला चना को बहुत पता, उसने हमारा पसीना निकाल दिया, पकड़ा, पर वो हर्ट हुआ था इसलिए हमने उसको रिलीज़ कर दिया, यही सोचते हुए कि चलो उसको रिलीज़ कर देते हैं। दूसरा वाला चना जो कभी हमने देखा ही नहीं, वाइट कलर का चना लाइफ में, वीडियो के चक्कर में उसको मैं कॉन्सेंट्रेट करके पकड़ भी नहीं पाया, और फिर एनीवेज इतना सैड फील हो रहा है दोस्तों कि वो वाइट वाला चना ठीक से देख भी नहीं पाए, पकड़ भी नहीं पाए, नहीं तो लेकर जाते थे। अभी आप लोग ये बताओ कि इस जगह पर ये जो आप देख रहे हो, दिखा दे ये वाला जगह पूरा, इतना जो ब्यूटीफुल सा जगह है यहाँ पे, जो हमें इतना रेयर कलेक्शन मिला है, ठीक है, या हमने देखा है, लेकर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग आए क्या वापस और पकड़ने के लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाइट चना। एनीवेज तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि इस जगह पे हमें फिर से आना चाहिए कि नहीं। एक बार लास्ट देखना चाहते हैं। एक बार लास्ट कोशिश, उसका मतलब उसका कुछ गड्ढा वगैरह होगा ना उससे, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है रे, क्योंकि पानी अभी भी पूरा धुंधला है, इतना कम पानी में तो दिख ही जाता है, लेकिन उसका कुछ अंदर गड्ढा वगैरह है। पत्थर देखना कितने बड़े बड़े यहाँ पे, देखना उधर कितना कितना सारा सारा कट है इसका, वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे गड्ढा है दोस्तों। ऐसे गड्ढों पे आप विश्वास नहीं करोगे, भले ही ऊपर है लेकिन चना को थोड़ा पानी मिलता है ना, वो अंदर जाके छुप जाते हैं। देखा नहीं वो लास्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला चना पकड़ने में कितना हालत खराब हुई थी। चलो काफी सारे अच्छे श्रिम्स मिले, वो लेकर घर चलते हैं और कुछ नए वीडियो लेकर जल्दी वापस आते हैं। और इस जगह पे तो यार वाइट चना, वाह मजा आ गया।